इस मैनेजमेंट को समझाएं, इनके कान में जो हवा भरी हुई है वो इनके कान से हवा निकालें और हमारा साथ दें। लंदन से, फ्रांस से, सारी जगह से पत्रकार लोग यहाँ आते हैं, टीवी चैनल वाले आते हैं, सब हमारा समर्थन करते हैं, लेकिन ये मोदी जी के पास बातें क्यों नहीं पहुंच रही? मेरे कहने का मतलब ये है, इनकी मिली भगत की वजह से ही हमारा जो समझौता है वो लेट हो रहा है। अब तो जिस कंडीशन में वहाँ से प्लांट से बाहर आए थे, आज भी उसी कंडीशन में है। होंडा के इन 2500 कर्मचारियों के अंदर 1000 बंदे हरियाणा के भी हैं। जब तक हम 14 दिन अंदर थे तब तक हम जैसे हम तीनों भाई लोग मीटिंग में जाते हैं, जब तक हम कंपनी के अंदर थे तब तक मैनेजमेंट का रुख कुछ और था। जिस दिन से हम कंपनी से बाहर आए हैं उस दिन से मैनेजमेंट का रुख कुछ और हो गया है। कंपनी का प्रबंधन, कंपनी का मैनेजमेंट और हमारी हरियाणा सरकार, कहीं ना कहीं इन दोनों की मिली भगत के चलते ये सब अभी जो एक महीना बीत गया इन्हीं के कारण हुआ है। कुछ ये कहा जा रहा था कि दुष्यंत चौटाला की वजह से आप लोग अंदर से बाहर निकले। दुष्यंत चौटाला ने सिर्फ आश्वासन दिया था कि इनका जल्दी से जल्दी निपटारा किया जाए। नहीं, जब आप लोग 14वें दिन निकले तो उसमें दुष्यंत चौटाला का कोई हाथ था? उसमें दुष्यंत चौटाला का तो मेरे को जानकारी नहीं, लेकिन होंडा प्रबंधन और हमारे DLC जो सरकारी प्रबंधन है उनके द्वारा ये आश्वासन दिया गया था कि आप लोग जैसे कंपनी से बाहर आओगे तो आपके द्वारा मतलब जो भी बातें हैं या जो भी मांगे हैं वो हम बाहर बैठ के सुलझा लेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। हम 14 दिन अंदर थे और 18 दिन हमें इधर हो गए, मतलब आज 31वां दिन है हमारा, लेकिन आज तक मैनेजमेंट का कोई भी अधिकारी, कोई भी मैनेजमेंट का कोई भी साथी हमारे सामने आके कोई भी नहीं बैठा। वो यही कहते हैं कि तुम ठेकेदार वर्कर हो और ठेकेदार ही बात करेंगे, लेकिन हम ऐसा नहीं मानते। हम तो यही मानते हैं कि हम ठेकेदार वर्कर हैं। यहाँ ये भी कहते हैं कि तुम्हें ठेकेदार पे करेगा। जब ठेकेदार पे करेगा हमें तो ठेकेदार हमारे साथ बैठ के बात क्यों करे? मैनेजमेंट बैठ के बात करे, आमने सामने बैठ के बात हो तभी हमारी बात होगी। हम ठेकेदार से कोई बात नहीं करेंगे, हम श्रमिक विभाग और मैनेजमेंट के साथ में बैठ के बात करेंगे तभी हमारी बात होगी, तभी हमारी बात बनेगी। और मैं हरियाणा सरकार खट्टर मुख्यमंत्री को ये कहूँगा और दुष्यंत चौटाला जी को ये कहूँगा कि अगर यहाँ कुछ शांति लाना है, हरियाणा में शांति लाना है, मानेसर में शांति लाना है, गुड़गांव में शांति लाना है, तो इस मैनेजमेंट को समझाएं, इनके कान में जो हवा भरी हुई है वो इनके कान से हवा निकालें और हमारा साथ दें, और इनके कान में ये बोलें कि हमारा निपटारा करें और जल्दी से जल्दी करें। अगर ये ऐसा नहीं करते तो देख रहे हैं आप ये मंच देख रहे हैं, यहाँ 4000 लोग नहीं होंगे, यहाँ 40,000 लोग और 40 लाख लोग भी हो सकते हैं। कुछ ठेकेदारों ने कुछ वो कहा था कि नोटिस चिपकाई थी कि आप लोग अपना हिसाब ले लें और 15,000 रुपये देने की बात कही थी आप लोग। देखिए सर, जो ठेकेदार ने नोटिस डिस्प्ले किया था बोर्ड पे, वो कहीं ना कहीं उनकी तरफ से हमारी एकता को तोड़ने का एक पहल थी उनकी तरफ से, लेकिन हमारी जो यूनिटी है उसके बहकाव में बिल्कुल भी आने वाली नहीं है। और ये जो उन्होंने डिस्प्ले किया है, ये हमारे साथ जो समझौता वार्ताएँ हुई थी उसमें जो फर्स्ट में समझौता वार्ता हुई थी वो ये ऊपर उनकी तरफ से फर्स्ट में ही आ गया था, लेकिन इस चीज़ पे हम कतई एग्री नहीं थे। ये हमें सिर्फ एक लालच सा दिया जा रहा है, उस पर हमारे मजदूर भाई हमारी एकता को तोड़ने बिल्कुल भी मायना नहीं रखते, ये हमारे एक्ट में है नहीं। कुल मिला के ये ठुकरा दिया है जी, किसी भी वर्कर ने इसको लेने के लिए सहमत नहीं हुआ है, ये ऊपर हमने ठुकरा दिया है। श्रम कार्यालय से हम खुश हैं ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमें उम्मीद थी कि हमारा 2 से 3 दिन के अंदर निपटारा हो जाएगा, हमें कुछ अच्छा रिस्पांस मिलेगा वहाँ पे। तो हमें जब वहाँ से कुछ अच्छा रिस्पांस मिल ही नहीं रहा तो हम वहाँ से कम या ज़्यादा खुश होने की तो कोई बात ही नहीं है। हम तो जिस कंडीशन में वहाँ से प्लांट से बाहर आए थे आज भी उसी कंडीशन में है। तो सर, कहीं ना कहीं इनकी मिली भगत की वजह से ही हमारा जो समझौता है वो लेट हो रहा है। इस चीज़ को हर मजदूर जानता है और हम आपको भी अवगत करा देना चाह रहे हैं जी, इन श्रम विभाग और मैनेजमेंट की मिली भगत की वजह से हमारा समझौता कंप्लीट नहीं हो पा रहा है जी। श्रम विभाग मिला हुआ है, यानी कि श्रम विभाग तो अपने आप में कुछ होगा नहीं, सरकार का कुछ निर्देश होगा। सरकार, श्रम विभाग मतलब सरकार, सरकार मतलब मैनेजमेंट। जो सरकार डिसीजन करती है, जो सरकार सजेशन देती है, वही मैनेजमेंट चलाती है, और मैनेजमेंट में भी कहीं ना कहीं इनके आपस में फूट पड़ी हुई है। कोई भी मैनेजमेंट सरकार से बड़ी तो नहीं होती। जब सरकार अगर उनको कुछ भी ऑर्डर करेगी तो वो चीज़ तो मैनेजमेंट को माननी पड़ेगी, ये तो आप सभी जानते हो। तो या तो सरकार उनको बोल नहीं रही है,
या इतनी सक्षम नहीं है कि उनको उनके सामने बोल दे, एक चीज तो है इनमें से। सरकार जबकि हमारी बातें यहाँ तक नहीं, हमारी बातें ये पूरे देश में जा चुकी हैं, लंदन से, फ्रांस से, सारी जगह से पत्रकार लोग यहाँ आते हैं, टीवी चैनल वाले आते हैं, सब हमारा समर्थन करते हैं, लेकिन ये मोदी जी के पास बातें क्यों नहीं पहुँच रही? मेरे कहने का मतलब ये है, क्यों नहीं पहुँच रही? कहीं ना कहीं सरकार, हरियाणा सरकार, खट्टर सरकार, चौटाला सरकार और हमारे मोदी सरकार, कहीं ना कहीं इनकी सबकी मिली भगत होने के बाद, चार दिन पहले हमारे जापान से आए हुए हमारी कंपनी के मालिक इन्हीं के साथ बैठ के मीटिंग किए, बातें किए, क्या ये बात नहीं आई कि होंडा प्लांट बंद है? बात आई, लेकिन ये कहीं ना कहीं उलझाने की कोशिश कर रहे हैं, कैजुअल साथियों को बाहर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम हारेंगे नहीं, हम मानेंगे नहीं, हम जीत करके ही उठेंगे। कंपनी ने जो ठेकेदार के जरिए जो नोटिस लगाया था 15,000 रुपये पर ईयर के हिसाब से देने की बात की थी, और साथ में प्लस में आसपास के जो चार पांच गांवों के जो सरपंचों द्वारा एक पेपर वायरल कराया गया जिसपे उसमें मोहर हुए उनके हस्ताक्षर थे, और बार बार वो अखबारों के अंदर कटिंग दे रहे हैं कि भाई मारुति वाला जो कांड है वो हम यहाँ होंडा में नहीं होने देंगे। मारुति के अंदर क्या था कि 100 किलोमीटर दूर के बंदे थे, वो शायद उनको पता नहीं है कि होंडा के इन 2500 कर्मचारियों के अंदर 1000 बंदे हरियाणा के भी हैं, हरियाणा मतलब गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट के बंदे हैं, जो आसपास के ही बंदे हैं, जिसमें अपना ये मानेसर हो गया, बड़ा हो गया, खो हो गया, नखड़ोला, रामपुरा, ये बंदे सारे जटोला, जोड़ी, साहब का सब ये इधर के बंदे हैं, धारू, डारेवाड़ी, सिद्धरावली, कभी ये ना सोचे कि भाई ये बंदे बाहर के बंदे हैं या कोई ऐसा बंदा है। इन्होंने डराने के लिए अफरा तफरी का माहौल बनाया था कि भाई एक तरफ तो 15,000 का नोटिस लगा दिया और एक तरफ धमकी भरा जो एक वो आश्वासन दे दिया कंपनी को समर्थन कि बंदे डर के भाग जाएंगे। मैं तो यही कहना चाहूँगा, हम भी आपके बीच में ही हैं और बीच से ही हैं और आपसे ही रिलेटेड हैं, कुछ गलत ना समझे, हमें आपका सहयोग और समर्थन दोनों चाहिए, हम यहाँ बाहर से नहीं, हम भी यहीं से हैं।